एक छोटा सा स्टोरी फ्रेम करके जहां पे आप सारे ईडम्स एंड फेजेस को यूटिलाइज कर सको वो स्टोरी मुझे सेंड करने के लिए आई एम स्टिल फॉर योर स्टोरीज राइट नाउ मैं फिर से बता दे रही हूं जितने भी लोगों ने अनफॉर्चुनेटली मिस किया है ईडम्स ऑन फ्रेजेस का पार्ट वन आप सभी के लिए मैं बोल रही हूँ द पार्ट वन ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ईडम्स ऑन फ्रेजेस को लर्न करने का सबसे रामबाण तरीका क्या हो सकता है राइट और उसको आजमा के देखिए गॉट इट एंड ट्रस्ट भी ये बिल्कुल हर्बल है कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऑल ब्रेन टाइप्स है ड्राई ब्रेन पिंपल ब्रेन हैवी ब्रेन हेल्दी ब्रेन सारे ब्रेन के लिए सो जस्ट गो एंड ट्राई इट अप सो टूडे अगेन आर हियर विद पार्ट टू ऑफ इडियस कितनी बार में बोल जाऊ एनी गो विद शुरू करते हैं वन बाय वन मैंने आपको बोला हुआ है एक चीज अच्छा हाँ यार ये एग्जैक्टली exactly. जय माता दी यही होने वाला है नालक सीवन प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था फिंगर्स क्रॉस तो जब भी आप बोला करें ना तो फिंगर्स क्रॉस शुरू करते हैं फर्स्ट से लेकर के अभी हमारे पास विल टू स्लाइड्स विद पहले वाले में वी आर हैविंग यानी एक कहानी के थ्रू हम दस ईडम्स को जोड़ेंगे और दूसरे वाले में भी दस होंगे जिससे हम यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं बीस बीस एंड कुल मिला करके और दो कहानियां दस दस को प्रमोट करती थी तो यकीन मानिए ये, ये चीजें आप भूल जाएंगे और उन कहानियों के चलते मैं आपको इन्हें भूलने नहीं दूंगी ताकि एग्जामिनेशन मोमेंट में आपको लगे उतरी ये तो पता है ये उस वाली कहानी से रिलेटेड सो लेट्स बिगिन विद दिस और कुछ को तो अगर जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ कि बहुत ही सिंपल फंडा होता है उसी लाइन में वो जैसे क्या बोलते तो उसको छुपा होता है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं इसका मतलब ये होता है लेट्स गो विद जैसे पहले वाले मैंने बोला था ऑन द फेंस सिटिंग ऑन द फेंस सिटिंग ऑन द फेंस मीन्स दोनों लाइक एक एक साइड पे फेंस तो सी बात है इधर या फिर इधर कंफ्यूजन शुरू करते हैं फर्स्ट वन लाइक अ कैट ऑन द ब्रिक्स जब कैट को ब्रिक्स पे चलाइए तो जब वो चलती है तो ऐसे उछल उछल के चलती है स्लोली एंड स्लोली इसका मतलब होता है ये जो है ये होने वाला है नर्वस कैट छलांग अच्छी मार सकती है क्या कितनी भी जगह से निकलने का प्रयास भी कर सकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो यू uh, नो you know, वो कर भी लेती है वो सक्सेसफुल भी हो जाती है पर व्हेन इट कम्स टू ऑन द ब्रिक्स ब्रिक्स वगैरह पे तो वो बहुत ही आहिस्ता चलती है एकदम रन नहीं करती स्लोप्स पे वो रन कर जाएंगी बाउंड्रीज पे वो रन कर जाएंगी बट वेन इट कम्स टू ब्रिक्स पतलू पतलू से तो वो बहुत केयरफुली चलती है so, वहां से निकल के आता है नर्वस हो कैट एंड डॉग लाइफ सिबलिंग्स की जिंदगी भाई बहनों वाली जिंदगी कुत्ता बिल्ली का खेल इसका मतलब क्या होता है ढेर सारी लड़ाइया कैट एंड डॉग लाइफ मतलब लाइफ फुल ऑफ फाइट्स या कॉरल फाइट या फिर कॉरल राइट अपना तो कॉन्सेप्ट क्या फाइट और कॉरल दोनों एक ही बात है नो 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 फाइट का मतलब होता है कि वो जो आप लोग मूवी में देखते हैं दैट इज कॉल्ड फाइट। का मतलब होता है झगड़ा होना ऐसा तुम, तुम कहता रहे मेरे को श्याम पाकड़ वो बोलता है उसको, वो कॉरल झगड़ा हो रहा है लेकिन बात करने का अंदाज ठीक है उसे कहते हैं ऑर्ग्यूमेंट लेकिन अगर इसी में आ जाता है हाथापाई पाइप यानी कॉलर ओलर पकड़ लीजिए ये कर लीजिए इसको कहते हैं एस सी यू एफ एफ एल आई एन जी

कैट एंड लाइफ इट इज गोइंग टू बील लाइफ इज कॉक एंड स्टोरी का मतलब मनगड़न को कहते हैं फैब्रिकेटेड बेबी मैंने आपको पहले भी बोला है ना मैंने तुमको कहां पे है वो उसको लेके बैठा करो बेबी अभी मैं जब बोल रही हूँ कुछ वर्ड्स बार बार वीडियो ऐसे करके देखने से बेहतर है तू पहले लिख ले उसको फिर बता रही है मैं, सुन ले आताबाई करने को कहते हैं और और वो मैं देखो ऐसे भूल जाती थी। और एक और बात कोई कर रही थी ना ओके कॉक एंड स्टोरी से रिलेटेड थी मनगढ़ंत कहानियां बनाना मनगढ़ंत कहानियां बनाने का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां कुछ मनगणन कहानी में भी दो तरह की होती है एक पे जिन पे विश्वास हो जाता है और एक जिन पर विश्वास होता ही नहीं है जैसे ओके ठीक है जब आप कहीं देर से पहुंचे या ओ, हाँ ये सबसे बेहतरीन है एग्जाम वगैरह का याद है जब नंबर कम आते थे ठीक है जब नंबर वगैरह कम आते थे हम लोग के एग्जामिनेशन में तो क्या होता हम लोग जब घर आते थे तो कैसे साइन कराते थे रिपोर्ट कार्ड या पेपर पे मम्मी मेरा नंबर इतना कम लाए हो तुम अरे इस वाले पेपर में पूरा क्लास फेल है गिनती चार पांच पास लड़के और लड़कियां पास है उसमें हमें बता रही इतना तो टफ आया था आउट ऑफ द क्वेश्चन हर चीज थी इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल टारगेट थे और हमने आउट ऑफ द वे जाकर के दिमाग लगा किया है फेल नहीं हुए हैं हम उन उन बच्चों को माँ आपसे पूछो जो फेल हो गए सब बड़े बड़े क्लास में रो रहे थे लड़कियों को देखो विदाई हो जाए इस हद तक रो रही है ये ये हम कहानी बनाते जिससे ये हो कि हम बच के निकल सके वो जो था ना बाक ऑन द रोंग ट्री वो यहाँ पे आएगा सो so, अभी तो कॉन्सेप्ट इज ये वाली फैब्रिकेटेड स्टोरी इस जहाँ पे माओ को थोड़ा विश्वास हो जाता है कि नहीं हमारा नौ या पापा की परी सही बोल रही है लेकिन कुछ ऐसी मनगणन कहानियां होती है हे भगवान जिस पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है बहुत ज्यादा मुश्किल जैसे मान लो कोई आ, अजीब ही शक्ल का आदमी हो सा इंसान हो भगवान ने सबको एक जैसा बनाया नहीं है बट विद ड्यू रिस्पेक्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ और सामने वाला बोले हमारे लिए तो समझ रहे हो ऐसे लाइन लगी रहती है चाहने वालों तो की मतलब गिरे पड़े रहते हैं हमें ये सब समझ में नहीं आता या फिर एवरेस्ट पे जाने को तो हम आज चले जाएं हम तो कई बार पैकिंग भी किए थे जाने तैयार भी थे फिर मम्मी कहीं दिशाशूल लग गया बुल स्टोरी कुछ ऐसी कहानियां मनगणन कहानियां जिनमें विश्वास तो हो ही नहीं सकता दो दिशा स्टोरीज। स्टोरी। अब आते हैं कम ऑफ विद द फ्लाइंग कलर्स यानी कि जीत हासिल करके जीत हासिल हो जाना जैसे इसके पहले वाले में मैंने आपको एक को बताया था फ्रेज No avail. No avail मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलना और ये बिल्कुल उसका उल्टा है यानी उड़ते हुए सतरंगी कलर्स के साथ आपका आना बोले तो कामयाबी का वो चेहरा वो नूर वाला चेहरा वो जिसे कहते हैं ना जब आप कामयाब होते हैं किसी चीज में जब तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन निकल जाएगा और जिस कुर्सी की तलाश में तुम घर से निकले हो जब वो तुम्हें हासिल हो जाएगी और वो पक्का होगी तुम्हें तो भी हो बट ऑफ कोर्स मैं तो पूरी मेहनत कर ही रही हूँ सो so, जब हम दोनों को ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं दूर बैठी मैं भी तो मुस्कुराऊंगी कि माई स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे सुना जिन्होंने वो फंडे फॉलो किए टुडे दे आर कमिंग ऑफ विथ फ्लाइंग राइट यानी जीत की बहारिन विन विन थिंग अब आता है होपिंग अगेंस्ट होप यानी होप है hope को क्या कहते हैं उम्मीद उसके against कुछ hope करना यानी ना उम्मीद दिस इज ना आई एम सो सॉरी इसके बाद का हिंदी का गड़बड़ हो रहा था गलत लिखने से अच्छा था मैंने ऐसे रोमन लैंग्वेज लिखी उम्मीदी होप यानी एक uh, अभी मैंने क्या बोला है? हिंदी में होप को क्या बोलते हैं एक होप है एक आस है एक आस के विपरीत कोई आस रखना वो टोटल निराश है That is, बस अब इतना दोनों तरफ होप था और बीच में अगेंस्ट है तो इफ यू टर्न अगेंस्ट होप तो रहे क्या जाएगा नाउ मी यही होता है इसका मतलब राइट अब हम आते हैं एलएचएस Hit the nail on the head. हमेशा रोमा मैम आपसे कहती है आपको ग्रामर सिखाने का मेरा तरीका यही है हिट द नेल ऑन द हेड यानी सीधा सटीक वही वार करना जहां जरूरी है ये फालतू की बाउंड्रीज दिखाना नहीं आई डोंट वॉन्ट टू किल माइन और योर टाइम सो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीक निशान सही समय पर सही बात का बोला जाना दैट इज कॉल्ड एज हिट द नेल ऑन द हेड यानी सटीक वक्त पे सटीक काम समय भी सही था और काम भी सही हो गया सही समय पर सही काम सटीक निशाना सो हिट द नेल ऑन हेड ग्राइंड कुल्हाड़ी और घुमाना अपनी कुल्हाड़ी घुमाना मतलब अपना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होना उसमें, फायदा होना पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कि जब शादी ब्याह हो रही होती है तो तुम पंडितों को देखो स्पेशली जो रात रात की शादी होती है मार एकदम लंबा से एकदम ऐसा ऐसा वो मंत्र वगैरह पंडित जी पढ़ते हैं जय माता दी मतलब नतमस्तक होने को दिल करता है भाई साहब कितना वाव वाव वाला फैक्टर होता है लेकिन इसमें यह भी तो होता है कहीं ना कहीं उनका अपना खुद का भी तो चल रहा होता है वही तो उनकी भी मार्केट गर्म हो रही होती है क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है तो क्या ये गलत है बिल्कुल नहीं इतना अगर हम लोग को करने को कह देना अपने बस की चीज़ नहीं है लेकिन वो ये करते हैं और वो दो वजह से करते हैं एक तो उसमें उनको महारत हासिल है अपनी चीज अफ करो दूसरी चीज जो है वो ये है कि तो उसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी तो नहीं है तो कोई ऐसा काम जिसमें अपना भी काम निकल रहा है उसको तो कहते हैं ग्राइंड 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 टू 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 इट इज एन यानी इफ इफ यू से से दैट मैम आई आई एम गोइंग तो कि ठीक है मैं भी चलती हूँ तुम्हें तो कंपनी भी हो जाएगी मेरा काम भी है तो तुम्हें लग जाएगा कंपनी तो मतलब सेकेंडरी बात है प्राइमरी है कि मैम जी का कोई काम है इसलिए साथ चलने को कह रही है सो वट एम आई डूइंग आई एम ग्राइंडिंग माई ओन एक्स मैं अपना ही काम निकाल रही हूं लेकिन उसी काम में इन्वॉल्व होकर करके दिस इज टू गेट रिड ऑफ वी लिखा हुआ था वो मैंने क्रॉस किया नो टेंशन टू गेट रिड ऑफ यानी किसी चीज से छुटकारा पाना ओके okay, अब आता है एट डैगर्स ड्रॉन डागर्स ड्रॉन का मतलब समझ रहे हो शोले शोले में गब्बर और जयवीरू एक तरफ जयवीरू दूसरी तरफ गब्बर चाइना गेट बाकी सारे बूढ़े एक तरफ एक तरफ जगीरा शाकाल, एक तरफ धर्मेंद्र और वो इधर शाकाल। ये लोग सब क्या थे एट ड्रॉन थे मतलब गजब वाली दुश्मनी डैगर मतलब समझते हैं खंजर होता है डैगर इज खंजर ड्रॉन मतलब जो बोलेंगे मतलब वो उनकी उनकी जो बातचीत ही होती है वो खंजर से ही होती है कुछ भी जो उनके बीच होता है वो ऐसे वाला होता है तो यानी मतलब प्योर दुश्मनी बहुत ही खूबसूरत वाली प्योरिटी जिसमें दैट इज दुश्मनी इसको लिखेंगे कट्टर दुश्मनी नेक्स्ट इज टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स यहां स्पेलिंग कैसे स्पेलिंग डी आर ए के ई एस अब डक आपको पता ही है और उसके मेल को कहते हैं ड्रेक यानी ये है फेमिनिन और ये है मैस्क ठीक टू प्ले खेलना आप लोगों ने अगर कभी छोटी छोटी वीडियोस शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें दिखाते हैं कि एक आगे एक बच्चा जा रहा है या आगे एक छोटा सा पपी जा रहा है कुत्ता और पीछे डक्स चलती रहती है छोटी छोटी सी डकलिंग्स चलती रहती है जिधर जिधर वो बच्चा या कुत्ता जाता है वो डक्स या डकलिंग्स उधर ही चले जाते हैं यानी कि प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है फुलिश बगैर दिमाग का उन डक्स का भी कोई दिमाग नहीं लगता वो बस उधर चलती चली जाती है तो एक तो फुलिश है दूसरा अनकन्सिस्टेंट है यानी वो लगातार चलने वाला काम भी नहीं है वो रुक गया तो वो रुक जाएंगी अगर वो देर तक रुका रहा तो फिर वो इधर उधर हो जाएंगी फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो कहा जाती तो दैट इज डक एंड दैट प्लेट फुलिशनेस एक तो पागलपन है ही है बे दिमाग का काम कर रही है और दूसरा कंसिस्टेंट भी नहीं है कि मान लो पगलेटपनती कर रहे हो तो कम से कम कंसिस्टेंट हो उस चीज में वो नहीं है। पागलपन और फुल ऑन भी नहीं है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम So, अभी वी हैव स्टडीड अबाउट नर्वसनेस जिंदगी पूरी बवाल और किचकिच -किच से भरी हुई इनकी ऐसी कहानियां यहां पे मैं लिख दू मनगणन कहानी जिस पर विश्वास ना किया जाए ना किया जा सके ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते इस पे आप कर ही नहीं सकते सो so कहानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके अभी हमने ये दस ईडियम हमने अपने अभी अपने अपन लोगों ने पढ़ लिया इसको एक कहानी के थ्रू पिरोने की करते हैं कोशिश तो शुरुआत करते हैं इसका टॉपिक हम लोग क्या दे सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं इसको कैसे मान के चले अम्म शोली मूवी का टर्न दे दे इसको शोले मूवी का चलो देखते हैं बन पाती है या नहीं ट्राई करती हूं मैं भी और कहीं कहीं अगर मेरे से मिस हो जाए तो आप भी बता सकते पहले मूवी की शुरुआत ही होती है नर्वसनेस से ठाकुर पूरी तरीके से टूट चुका है नर्वस हो है कि वो चीजें कैसे करेगा क्योंकि उसके आर्म्स नहीं है गब्बर ने दोनों ही ले लिए उसके सो so, वो नर्वस है जय और वीरू की जो जिंदगी है वो पूरा का पूरा कुत्ता बिल्ली पुलिस चोर का खेल हो रखती है जब देखो वही चल रहा है तो एक तरफ ठाकुर है जिनकी जिंदगी में सिर्फ नर्वसनेस और नाउमीदी रह गई है राइट उनकी जिंदगी में नर्वसनेस और नाउमीदी ये ठाकुर की जिंदगी में रह गई है दूसरी तरफ जय और वीरू जिनकी लाइफ टोटल स्यापे से भरी हुई है वो और पुलिस और वो और पुलिस और जब भी वो पुलिस के चंगुल में आते हैं जब भी वो बेचारे फंसते हैं तो उनके पास हमेशा होती है एक मनगढ़ कहानी जिस पर पुलिस वालों को कोई विश्वास नहीं होता है राइट लेकिन मोस्टली क्या होता है मोस्टली वो हमेशा जेल से भागने में कामयाब हो जाते तो हमें क्या करना है ये हम शोले पर निर्धारित कर रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं ठाकुर से ठाकुर भैया की जिंदगी में नर्वसनेस और नाउमीदी ने घेरा बना रखा है ये एक तरफ है मूवी की शुरुआत नाउम्मीदी है और नर्वसनेस है कि कैसे होगा क्या होगा दूसरी तरफ जय और वीरू की एंट्री होती है जय और वीरू के साथ क्या है जिंदगी एकदम बवाल हो रखी है सवाल हो रखी है चूहे बिल्ली का खेल हो रखा है उनका यानी इट्स लाइक कॉट कैट्स एंड डॉग वाला उनका लाइफ हो गया है बिल्कुल तू तू मैम पुलिस से हमेशा उनके पास जब भी वो पुलिस के चंगुल में फंसते हैं उनके पास एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी होती है सुनाने के लिए जिस पर अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले विश्वास नहीं कर पाते बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों के बावजूद पकड़े जाने के बावजूद भी वो वहां से भागने में हमेशा कामयाब रहते हैं दे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स इधर वाले पांच हो गए ना आगे की शोले चेक करें हिट द द नेल ऑन हेड उसी समय ठाकुर ने एक युक्ति सोची एक आइडिया सोची कि क्यों ना इन दो लड़कों को इस्तेमाल किया जाए किसी ऐसे काम के लिए जहां पे इनका भी भला हो जाए और हमारा भी काम निकल आए यानी कि वो ये सोच तो रहा था सही समय पर सही काम करने की लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना काम भी तो निकाल रहा था उससे यानी ठाकुर वॉज हिटिंग द नेल ऑन द हेड विजय और वीरू का इस्तेमाल करने का सोच के लेकिन वो उसमें अपना भी काम निकाल रहा है टू किल गब्बर अब उसके बाद छुटकारा पाना ओके ठीक है सभी छुटकारा पाना चाहते थे किससे गब्बर से, से. क्यों क्योंकि वो सब के सब उसके साथ थे कट्टर दुश्मनी पर कट्टर दुश्मनी पर और सबसे बड़ा टेंशन ये था कि जय और वीरू में जो वीरू था ना उसकी जो हरकतें थी ना वो टोटल फुलिशनेस यानी उसको सिवाय बसंती थी और कुछ दिखाई ही नहीं देती तो इतने टेंशन वाले काम में भी वीरू को सिर्फ फुलिशनेस और वो भी फुलिशनेस थोड़े समय के लिए ही होती थी ऐसा नहीं बाकी टाइम में फिर से फोकस हो जाता तो ये होगी हमारी चीज एक बार फिर से देखते हैं शोले हम बात कर रहे हैं ठाकुर साहब ठाकुर साहब की बात कर रहे हैं तो ठाकुर साहब के लिए हमारे पास कितने हैं ये वाला है ये वाला है ये वाला है ये वाला है और ये वाला है पांच तो ठाकुर साहब ही लेके चले गए ठाकुर साहब जी की जिंदगी में नर्वसनेस और नाउम्मीदी कैट ऑन द ब्रिक्स और उसके बाद अगेंस्ट हो नाउम्मीदी और नर्वसनेस ने ठाकुर जी की जिंदगी में घर कर रखा है क्योंकि वो छुटकारा पाना चाहते हैं गब्बर से ये है उसके लिए वो जय और वीरू का इस्तेमाल करना हिट द नेल सही समय पर सही काम यानी उनको जेल से हटा करके वहां डिप्लॉय करना चाहते हैं ये वो करना चाहते हैं अपना काम निकालने के लिए ताकि गब्बर को रास्ते से हटाया जा सके गब्बर को उस बात की सजा दीजी जा सके जो उसने ठाकुर के अगेंस्ट करा है तो पांच तो हो गए ना हमारे अब हमारे पास पांच बच्चे जो उन लोगों के लिए और दूसरी तरफ जय और वीरू की जिंदगी जरा देख लीजिए कुत्ता बिल्ली का खेल हो रखी यानी पुलिस और चोर का काम जब देखोगे तो अब तू तू मैम तूतू मैमें लगी पड़ी है जब भी वो उनकी पकड़ में आते हैं वो हमेशा एक मनगढ़ंत स्टोरी सुना हमेशा सुनाते हैं जिसपे पुलिस वालों को कभी विश्वास नहीं होता लेकिन ये दोनों लड़के हमेशा जेल से भागने में कामयाब हाँ। हो जाते हैं क्या इन डॉग लाइफ कॉक एंड बुल्सटोरी कम ऑफ द फ्लाइंग कल और उसके बाद फिर क्या है डैगस डैगस डैगस्ड्रॉन पक्की दुश्मनी हो रखी है अब क्या हुआ पांच हुए हमारे पास अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन सा कलर चूज करूं मैं तो जल्दी बताओ जल्दी ब्लैक ले लेते हैं मैंने क्या किया इसको यहां से वाइप ऑफ करें देखो ठाकुर ने पांच उठाए हैं जय और वीरू ने उठा लिए हैं वन टू थ्री एक्चुअली ठाकुर को सिक्स दे दे क्योंकि पहले तो कट्टर पंती दुश्मनी तो उनके साथ हुई है ना जय वीरू तो इन्वॉल्व हुए हैं तो छह ठाकुर ले गए दस में से चार ले गए जय और वीरू और वीरू के लिए सिर्फ एक है तो टोटल तो 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 छ चार आ, 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 ये तीन होगा मैथमेटिक्स थोड़ी गड़बड़ हो गई थ्री एम आई क्लियर आप जरा देखते हैं फिर से ठाकुर ठाकुर लाइफ इज लाइक अ कैट ऑन द ब्रिक्स इट इज होपिंग अगेंस्ट होप बट ठाकुर हैड अ प्लान टू हिट द नेल ऑन द हेड

गब्बर से छुटकारा पा सके क्योंकि उनकी गब्बर से है तगड़ी वाली दुश्मनी लेकिन ये सब कराने के पीछे उनका अपना एक पर्सनल मकसद है अब जय और वीरू एक तो ये होगा ठाकुर और दूसरा जय और वीरू आ गया जय और वीरू के साथ क्या उनकी जिंदगी क्या है कुत्ता बिल्ली का हो रखते है कैट एंड डॉग स्टोरी पुलिस वाले और वो कौरल जब भी मिलते हैं ताबड़तोड़ बकवास उनकी शुरू हो जाती है हमेशा उनके पास सुनाने के लिए जो वीरू के पास हमेशा सुनाने के लिए ऐसे मनगढ़ंत कहानियां होती तो है जिसे पुलिस वालों को कोई यकीन नहीं होता है लेकिन हर बार वो जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और सिर्फ एक है जो वीरू के बारे में कह रहा है कि वीरू की थोड़ी सी पागलपंथी बसंती के लिए एक थोड़ा सा जबरदस्त वाला क्रेज वो सब मिला करके उसे बना देता है प्ले ऑफ डार्क्स एंड रेक्स यानी अगर आप शोले अगर क्या अगर आपने नहीं अरे अरे, अरे अगर कैसे हो सकता शोले देखिए ना हाँ उसमें वीरू अगर नहीं होते वहां तो जो उसका फन फैक्टर था ना मूवी का वो कहीं मिसिंग हो जाता सो माय लव अभी हमने दस इडम सीख लिए और शोले की मदद से याद रह जाएंगे ना इन्हें फिर से एक बार पढ़ लेना शोले मूवी को एक बार फिर से याद कर लेना और एक बार गब्बर जय वीरू और ठाकुर जी को थैंक्स बोल देना उनके चलते दस इडम्स अपनी पॉकेट में बिना किसी टेंशन के ठीक आप समझ में आए मैं क्यों कहती हूँ कि अगर कोई चीज समझनी है तो अंदाज थोड़ा बदलना पड़ेगा सिर्फ रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होता राइट right? और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी एंड फेजेस होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स में ऐसा भी नहीं है हार्डली अगर आने होते हैं हार्डली जिन पे आपको सच में फोकस करना होता है तो वो डेढ़ से दो सौ होते हैं डेढ़ से दो सौ वो होते हैं जो मैं हार्डली वाले में लेके जा रही हूँ जो अगर आपको आ गए तो आप एग्जाम लाइक इससे रिलेटेड तो टेंशन आपको नहीं होगी एंड ट्रस्ट भी वो डेढ़ से दो सौ का ही है जो ऑनलाइन बेस्ट है उसमें भी डेढ़ सौ दो सौ में क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेसी होती है जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टू बी ऑन द हील्स उसमें की भी डुप्लीकेसी हमारे पास आ गई थी या टू की एट द आर्म डिस्टेंस या फिर टू तो कीप एट बे उसमें भी डुप्लीकेसी आ गई थी सो उन दो सौ में से कुछ डुप्लीकेसी वाले हैं जिनको एक पढ़ लिया तो दूसरा याद ही हो जाएगा उस केस में दो से घट करके आपके पास आ जाते हैं डेढ़ सौ अब उस डेढ़ सौ में अगर हर दस ईडम की आप एक स्टोरी बना रहे हैं तो आपके पास इन टोटल पंद्रह कहानियां हैं पंद्रह कहानियां याद रहती हैं ये बनाओ तो सही पहली दो कहानियां मैंने बनाई थी तीसरे का इंतजार रोमा मैम कर रही है और अभी आज के वाले सेक्शन में पहले दस वाले में हमने शोले को रिलीव कर लिया अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ जो आज का सेकेंड और लास्ट स्लाइड है ऑफ इज द लास्ट टेन मोड राइट नॉलेज इट टू टेक द बुल बाय दॉर्न पहला है टू टेक द बुल बाय दॉर्न यानी बैल को उसके सींग से पकड़ना इसका मतलब क्या होगा इसमें कहीं ना कहीं माचो नस आ रही है ब्रेवरी आ रही है और वो बुल क्या है वो परेशानी है जिसे सीधा डील किया जा रहा है उससे भाग नहीं रहे वी आर नॉट शोइंग दील्स वी आर फाइटिंग विद यानी किसी भी परेशानी का डट के मुकाबला करने को कहते हैं टू टेक द बल बाय हॉर्न्स यानी किसी भी परेशानी का डट के मुकाबला करना Is, वही मैं कह रही हूँ ना जब आप पढ़ते हो ना कोई लाइन ईडम्स एंडली में, में कुछ ना कुछ आपको बता रहे होते हैं कुछ ना कुछ वो क्लियर कर ही रहे होते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स अब ये बहुत ही नॉर्मल हो चुका है कैट्स एंड डॉग्स अभी कुत्ता बिल्ली की तरह बारिश हो रही है अभी कुत्ता बिल्ली तो बरस नहीं रहे कभी बिल्ली के पीछे कुत्ते को भागते देखा है भैया के पीछे बाप को भागते देखा है Hmm, किसी घर में किसी ने कुछ गड़बड़ी करी है तो पेरेंट्स को उनके पीछे जाते वेलकम हो गई हेरा फेरी हो गई इन सब में लास्ट वाले सीन में यही होती कैट्स रेन एंड डॉग्स का मतलब होता है एक के पीछे दूसरा तो अगर हम रेन की बात करेंगे तो एक के पीछे दूसरा मतलब मूसलाधार बारिश तेज बारिश या इसी को एक वर्ड हम लोग ये भी कहते हैं मुसलाधार मुसलाधार भी मुझे लगता है ना ये शायद मुसल से आया हो उसमें जब आप कभी देखो मूवीज वगैरह में खासकर वो जो कौन सी थी वो कौन सी थी आपको लग रहा रोमा मैम मूवीज के बड़े एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वहीं से ज्यादा को समझ में आता है हम लोग बॉलीवुड टाइप लोग हैं वो जो होता है ना ओखली जो होती है वो oh, वाला voilà. उसमें जब आप देखो जब पीपल वेन दे हम ने जितना मूवीज में देखा हुआ जब बताते वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू लगातार इन द सेम रेन कैच एंड डॉग्स एक के बाद दूसरा रैंक एंड पीपल ऑर्डिनरी पीपल अब ये समझ में आता है कि मैम जी ये क्या तमाशा है ये कैसे याद रहेगा रैंक एंड फाइल ये कहां से बता रहा है कौन ऑर्डिनरी बंदा है रैंक और फाइल यकीन मानो ये ऑर्डिनरी फेज ही है कोई एक रैंक का आना किसी एक रैंक का प्राप्त करना राइट right? या फिर एक फाइल दूसरी दूसरी फाइल तीसरी तीसरी फाइल चौथी टेबल तक घूमते रहना एक ऑर्डिनरी काम है और ऐसे लोग जो इस काम में होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी पीपल या फिर आप इनको ये भी कह सकते हैं आम आदमी राइट लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक जैसे कहते ना कि आम आदमी तो बेकार आम आदमी तो आम आदमी है ने। हिस्ट्री उठा के देख लो शुरुआत से अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया अगर यूरोप को उसकी आजादी मिली उसके बाद इंडिया ने भी चीजों को फॉलो करना शुरू किया तो वो सब कुछ शुरू हुआ था मिडिल क्लास से यानी एरिस्टोक्रेट लेवल के लोग या फिर ये वाले लोग इन सब से नहीं हो पाई थी आजादी वो रेवोल्यूशनरी मार्केट जो निकल के आया था वो मिडिल क्लास से निकल उन लोगों में से जो पढ़े लिखे लोग थे तो आम आदमी का मतलब बेकार आदमी नहीं होता पहले तो ये टेंशन हटाता दिमाग से जैसे कहते हैं ना वो बना ही इस वर्ड से है आम आदमी एंड आम इज गोइंग टू द बेस्ट फ्रूट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट टू द पीपल लव टू रेलिश रेलिश क्या होता है वो क्या है क्लिक करता रहता है जितना पॉप करता है उतना फेंक देती हूँ रेलिश का मतलब होता है किसी चीज को चाव से खाना एक होता है खाना खा रही हूँ एक होता है चाओ से खा रहे है भाई मेरे को बड़ा कॉल्ड एज रेलिश क्लियर 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 लेट मी वाइप इट ऑफ ओके नाउ द नेक्स्ट वन बाय फिट्स एंड स्टार्ट फिट्स का मतलब क्या होता है झटके जो एक आ, दौरा झटका पड़ना किसी चीज का फिट्स एंड स्टार्स मतलब थोड़ी देर के लिए किसी काम का होगा रुक रुक कर मतलब बहुत लंबा नहीं चलेगा वो वो झटके से शुरू हुआ और उतने में ही बंद भी होगा पर फिट्स एंड स्टार्स कई ऐसी कंपनीज होती है कई ऐसी कंपनीज होती है कई ऐसे आ, चेहरे होते हैं जो बस आसा दिखाई देते हैं वो चले जाते हैं उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान बना लेते हैं आप लोगों की मदद से बट ऑफ कोर्स और मैं भी तुम्हारी कर रही हूँ सो वी बोथ आर ग्राइंडिंग अवर ओन एक्सेस सो वेल इन दैट केस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स हमारी वाली स्टोरी तो नहीं है फिंग्स क्रॉस्ड फिट्स एंड स्टार्ट्स का बेसिकल मतलब हो जाता है झटके से किसी चीज का शुरू होना अचानक से शुरू होना और से Next, okay, okay, okay. अचानक से नेक्स्ट ओके 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 अचानक से शुरू और अब आता है अवी बिट अवी बिट मतलब थोड़ा सा गिव मी chance. I wanna Grow up once again, wee bit, जैसे नहीं खाए हैं खरीदो भाई खरीदो अगर नहीं खाए तो जिन लोगों ने खाया है, मैं समझ सकती हूँ आप मेरा एक्साइटमेंट समझ पा रहे होंगे जब मैं घर आता था, था ना ये किड्स के लिए तो जब आप इसको लेते हैं वो चिपक जाता है वो सबका सबसे गंदी बात वही है और अगर मम्मा खुद से देती थी, थी तो वो तो वो एक अलग ही दिन होता था जिस समय यूनिवर्स कुछ अलग तरीके से प्लान करता था, था चीज़ों को मुझे मम्मा देती थी तो हम लोग कहते हैं वी बेट थोड़ा छोटू सा थोड़ा सा और दे दो दैट इज कॉल्ड एज वी बेट या फिर जब आप एग्जाम पेपर दे रहे होते हैं चाहे तीन घंटा दे दो तुमको चाहे चार घंटा दे दो ये होता है फाइनली जब आता था मेरे साथ ये नहीं होता था अच्छा छोट फिंगर्स ये कभी होता ही नहीं था मेरे साथ मैं टाइम रहते हुए मेरा काम कंप्लीट कर लेती बिफोर टाइम कर लेती थी और टाइम रहते मेरा काम हो जाता था लास्ट के अलार्म तक तो टचवर्ड जय बोले बाबा सब हो जाता लेकिन मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी कुंडली में लिखवा के रखा था सर 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 जोर तो बस दो मिनट दे दीजिए ऑल दिस इज कॉल्ड द हेडिंग ऑफ बिट थोड़ा सा मोहलत या चीज और राइट ना वी आर कमिंग फॉर आउट ऑफ द वुड अब यहां पे लेट्स कॉन्सिडर इट एज मैंने नाउन वाले चैप्टर में बताया था वुड का मतलब होता है लकड़ी और अगर हम लिख रहे हैं वुड्स तो इसका मतलब लकड़ियां नहीं होता इसका मतलब होता है जंगल तो इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ द वुड्स जंगल से बाहर आने का मतलब क्या है मुसीबतों से पार पा जाने यानी कि आउट ऑफ अ ट्रबल इसी ट्रबल के लिए एक अच्छा वो कैब होता है जिसे हम कहते हैं लर्च एल यू आर सी एच यानी मुसीबतों के लिए जब आप प्रॉब्लम 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 इतना बोलती हो ना वहां पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हो लर्च इट्स अ वेरी क्लासी वर्ड और ये आपकी वो कैब पावर को भी बढ़ाएगा सो so, किसी मुसीबत से बाहर आने को हम क्या कहते हैं कम आउट ऑफ दर्ड नेक्स्ट इज अंडर हिस्सम जैसे हम लोग हिंदी में लोग ना नाक के नीचे रखता है अपनी हो अपनी जूतों के नीचे जूते की नोक पे रखता है किसी को इसका मतलब क्या होता है पूरा डोमिनेशन किसी ऐसे शख्स की हम बात कर रहे हैं जो अपने उंगली के तय दबा के रखता है सब तो अंडर हिस्सम मतलब टोटल डोमिनेशन टोटल डोमिनेशन इसको ऐसे ही याद रखना थम मतलब अंगूठे जैसे कहते हैं ना कि अरे वो वो कुछ मानता ही नहीं किसी को यार सबको तो एकदम अपनी उंगली के इशारे पर ना चाह के रखता तो दैट इज गोइंग टू बी कीप समबडी अंडर नेक्स्ट इज़ एट एंड इसको समझने के लिए पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है तो मैं इसको यहां पे लिख रही हूं विट विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी हाजिर जवाबी क्या होती है हाजिर जवाबी वो होती है कि जहां पे आप सामने वाले को अपनी बात भी कह दें समय रहते कह दें और कुछ इस अंदाज में कह दें कि सामने वाला दोबारा आपसे पंगे नहीं ले इसे कहते हैं हाजिर जवाब तो जब आपका विट ही खत्म हो जाए विट्स एंड तो इसका क्या मतलब होगा इट्स ओवर यू हैव नो आंसर यू आर आंसरलेस यानी कोई जवाब बचा ही नहीं तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे पास कहने या व्यक्त करने के लिए तुम्हारी वेट तुम्हारी हाजिर जवाबी तुम्हारे शब्द तुम्हारे वाक्य सब खत्म की कगार पर पहुंच चुके राइट right? अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट वाले बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बिटवीन मतलब के बीच और बिटवीन का अर्थ होता है दो ही चीजों की बात करेगा ये फिर से हम एडजेक्टिव की तरफ चले गए मैंने आपको क्लियर किया था बिटवीन का मतलब होता है जब हम प्रेपोज प्रशन के तौर पे इस प्रपोजिशन का मतलब होता है दो ही चीजों की बात करेंगे और जो मिड में है उसे अभी जैसे ये द पेन इज बिटवीन माय फिंगर्स सो बिटवीन मींस टू तो वो दो चीजें क्या है एक है डेविल और दूसरा है डीप सी उसके पहले की मैंने डेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लिए हुए हैं डेवल एंड द डीप सी इसका मतलब जब हम हिंदी में कहते हैं एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई सो so, एक तरफ कुआं, तो दूसरी तरफ खाई यानी जिंदगी में अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब आप यू आर सिटिंग ऑन द फेंस ऑन द फेंस क्या बताया था आपको कन्फ्यूजन होना कि किधर जाए और अगर कोई भी डिसीजन हम ले, ले तो हमारे हाथ से कुछ ऐसा जरूर छूट जाता है जो हम नहीं सोच सकते उसे छोड़ने की बट स्टिल एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नहीं समझ में आता विच वे टू गो यानी द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ वन लाइफ जहां पे डिसीजन कोई भी हो टोटल प्रॉफिट तो कहीं से भी होना नहीं है कमिंग फॉर द लास्ट थर्न द मिड नाइट ऑयल के लिए स्टूडेंट्स के लिए मिड नाइट ऑयल समथिंग अगर आप कुछ जला रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू मेक यूर फ्यूचर ब्राइट रात में लाइट चला गया मोस्टली अब आजकल तो ऐसा नहीं बिकॉज वी हैव दैकअप्स एन एवरी थिंग वो ज़माना नहीं रहा लेकिन ये इडम आज का बना हुआ तो है इसके कहने का मतलब होता है जो स्टूडेंट की जो लाइफ होती है ना उनका जो एक पढ़ने का जो टाइम होता है जो बेस टाइम होता है वो मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं एट्टी परसेंट प्लस स्टूडेंट वो नाइट टाइम प्रेफर करते हैं मेनी ऑफ देम आर लाइक कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए मैं अर्ली बर्ड नहीं हूँ मेरे से नहीं हो पाता मैं नाइट आउल हूँ मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया यहाँ पे एक मैंने बोला अर्ली बर्ड और दूसरा मैंने आपको बोला नाइट आउल अर्ली बर्ड का मतलब होता है जिनकी सुबह जल्दी होती है पांच साढ़े चार ऐसे वाले लोग और नाइट आउल का मतलब होता है जो पूरी रात जग सकते हैं मगर सुबह जल्दी उठने को उनको आप मत बोलिए रोमा मैम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नाइट आउल का आई कैन वेक एंटायर नाइट बट गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग बर्न द मिड नाइट ऑयल ये पूरा का पूरा ये मैं स्टूडेंट्स को ही डेडिकेट कर देती हूँ इसका मतलब होता है रात में उजाला करके लैम्प जला के तेल जला के लैम्प जला करके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जो पढ़ाई आप करते हो दैट इज बर्न द मिड नाइट ऑयल ये हो गया इसका सो so अभी सेकेंड वाले जो हमारा स्लाइड है इसमें हमने फिर से टेन पढ़े जिसमें द फर्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स यानी मुसीबत का मतलब सीधे से मुकाबला करना एकदम सामने से मुकाबला करना पीठ दिखा के भागना नहीं नॉट ऑन द हील्स नेक्स्ट रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब मुसलाधार बारिश का होना रैंक एंड फाइल ऑर्डिनरी कॉमन पीपल बाय फिट्स एंड स्टार्ट तुरंत आया तुरंत गया जुगनू काइंड ऑफ अ थिंग अ वी यानी इतू सा थोड़ा सा जरा सा और दिल मांगे मोर काइंड ऑफ अ वी बिट आउट ऑफ द वुड्स किसी भी तकलीफ परेशानी या झंझट से उबर पाना निकल आना बाहर आ जाना सक्सेसफुली और इसके लिए मैंने आपको एक नया वर्ड आज दिया है लर्ड्स इसे यूज करिए और इसे जहन में रखिए कॉपी में जरूर नोट डाउन करना अंडर हिज हिस्सम यानी जुती दलत दबा के रखता है सबको यानी डोमिनेशन हिंदी का जुत्ती तले हो जाता है और अंग्रेजी में थम दबा के रखना डोमिनेशन एट वन विट्स एंड विट्स का मतलब मैंने आपको बताया था प्लीज को लिखिएगा वो क्या आप सेक्शन मैंने आपको पहले भी बोल के रखा हुआ है इसको एक अलग सेक्शन बना के रखो जितने भी वो के आप सिखाए जा रहे हैं उनको अलग लिखो या कहीं ना कहीं तुम्हारे काम पर शोर आने वाले विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी और जब आपकी हाजिर जवाबी वाली जो कला है वही खत्म हो गई तो आपके अंदर बचा क्या नथिंग आंसर लेस हो गए जवाबहीन हो गए आप अब आप काउंटर नहीं कर सकते नेक्स्ट इज डेविल या डीप सी यानी कुआं या खाई दोनों के बीच में आप फंसे हुए हैं या कोई भी शख्स जिसकी भी यहाँ पे जिसकी भी मिसाल हम ले लें शख्स जिसके एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं है नहीं समझ में आ रहा किधर जाना है क्योंकि मौत दोनों ही तरफ होने वाली है पे पे मौत से मेरा कहने का मतलब है है कि फैसला दोनों ही बहुत द द लास्ट वन इज बर्न ऑयल और पे मैंने आपको दो तरह के लोगों के बारे में बताया पहला मैंने आपको बोला अर्ली बर्ड और दूसरा मैंने आपको बोला नाइट आउल अर्ली बर्ड वो जिनकी सुबह जल्दी होती है और नाइट आउल वो होते हैं जो रात भर जाग सकते हैं मगर सवेरे जल्दी उठने को मत नहीं है तो अभी चूंकि

am based on tenses so stay tuned keep watching keep growing keep smiling sign off by your host in those roma ma'am take care Let's meet you soon